1984 के सिख विरोधी दंगे पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान ने चुनावी मौसम में हलचल मचा दी है। सैम पित्रोदा मौजूद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। बीजेपी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कांग्रेस सैम पित्रोदा को पार्टी से बाहर निकाले। शनिवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 1984 में जो हुआ वो नरसंहार था और उसके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि सिखों को घर से निकालकर उनका कत्ल किया गया और ये सब कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कराया। पात्रा ने कहा कि सिखों को पहचानने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वोटर लिस्ट और राशन कार्ड से जानकारी ली। कांग्रेस नेताओं ने सिखों के घरों पर एस लिख कर उन्हें बाहर निकालकर कत्ल करने की साजिश रची। संबित पात्रा ने कहा कि इतनी खतरनाक साजिश पर अब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने हुआ तो हुआ कहकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने सिख विरोधी दंगों के लिए एक सरदार यानी मनमोहन सिंह से माफी मंगवाई, जबकि माफी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मांगनी चाहिए। अभी चंद मिनटों पहले हमने सिद्धू जी के कुछ बयान को सुना है। बुरा मत मानिएगा, मैं सिद्धू जी के इतना कहूंगा कि रोज अनर्गल बोलने वाले सिद्धू जी, जब सैम पित्रोदा का हुआ तो हुआ कमेंट आया उस समय चुप रहे। उस समय उन्होंने सैम पित्रोदा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। सिखों के हक में और 84 के नरसंहार के खिलाफ एक शब्द सिद्धू जी के जुबान से नहीं। वही सिद्धू आज कमलनाथ जी के गोद में बैठ के मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। वही कमलनाथ जिन्होंने दिल्ली में 3000 सिखों के नरसंहार को अंजाम दिया था, एक अभियुक्त है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना।